मसौढ़ी में अखिल भारतीय किसान महासभा, खेत मजदूर सभा और मनरेगा सभा के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने किसान संबंधित तीनों बिलों को वापस लेने तथा फसल खरीदने के लिए क्रय केंद्र खोलने की मांग की है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मसौढ़ी प्रखंड में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक गाँव में नल जल योजना का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई ऐसे गाँव मिले जहाँ लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। आपको बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण कार्य चलाया जा रहा, जिसके बाद वार्ड सदस्य और मुखिया सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मुंगेर जिले के लोहापट्टी बाजार स्थित 20 सड़क पर एक शराबी ने राज्य में शराबबंदी की पोल खोल दी है। दरअसल इलाके में एक शराबी ने शराब के नशे में लेटा रहा। लोग तमाम तरह से शराबी को जगाने का प्रयास करते रहे, लेकिन शराबी नहीं जगा। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। वह इसके बाद इस घटना की जानकारी पत्रकारों को दी गई, जिसके बाद पत्रकारों ने इस घटना की कवरेज की। पत्र के साथ बोलते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी नहीं है। नमूना देखिए, मंत्री कार्यक्रम में भी इसी तरह लोग जाते हैं। हमने प्रशासन को खबर किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अगर जान देते हैं उसके बाद बोलेंगे बीमारी से मर, ये बीमारी से नहीं मर, ये शराब पीकर मरने की कगार पर है। सरकार का हर निशानी फैल है। जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड में सभी प्रधानाध्यापकों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह ने प्रधानाध्यापकों को HRMS के बारे में बताया और शिक्षा विभाग के नए नियमों से भी अवगत कराया। प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापक को HRMS से संबंधित फॉर्मेट भरकर जमा कर, जो जमा तक अभी तक नहीं किए थे उनको जमा करने के लिए करना था, इसी की जानकारी दी गई। विभागीय निर्देश के तहत पुनः वेतन निर्धारण करने की जानकारी दी गई। सभी प्रधानाध्यापक को अवकाश के संबंध में भी जानकारी दी गई तथा जो मास्टर या प्रशिक्षक अभी तक सरकार से प्राप्त राशि का उपयोगिता जमा नहीं किए हैं उनको जमा करने के लिए कहा गया है। जहानाबाद जिले के केकिनाड़ी गांव में 11,000 बोल्ट की तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नितेश कुमार के रूप में बताया जा रहा है, जो सुबह शौच करने के लिए बाहर निकला था। इसी दौरान करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जा रहा था शौचालय की तरफ, उधर सुबह सुबह ट्रांसफार्मर की तरफ लाइन गिरल था, उसमें लाइन में आगे सट गया। जब हम लोग टूटे तो देखे कि लाइन लगल है। उसके बाद वहाँ से हम लोग ट्रांसफॉर्म के हॉस्पिटल लाए, यहाँ डॉक्टर सासाराम के सदर अस्पताल में पिछले 6 सालों से अत्याधुनिक पोस्टमार्टम हाउस बनकर तैयार है, लेकिन विडम्बना कहें कि इसका उपयोग आज तक स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाई है। यहां तक कि अब यह भवन जर्जर अवस्था में पहुंचने लगा है। वहीं इस संबंध में सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम हाउस में विद्युत कनेक्शन नहीं दी गई, जिसके कारण समस्या हो रही। वहीं इस मामले में संबंधित अधिकारियों से बात कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है और BMIC के द्वारा बनाया गया है, और उसमें अभी जो है सो हमने व्यवस्था ये करवा दी है कि वहाँ पर पानी में बनी है पोस्टमार्टम करने की सुविधा हमें बनवा दी है, और साथ ही वहाँ पर जो डीप फ्रीजर है उसको रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक हमारे साथ माइनस पॉइंट ये है, वहाँ लाइन अभी तक नहीं आया है, तो आज हम बिजली विभाग को पुनः अनुरोध करने जा रहे हैं व्यक्तिगत रूप से कि उसमें लाइन जोड़ दे ताकि हमारा सब काम चल। रोहतास जिले के सासाराम में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला है, जहां नगर परिषद के सिटी मैनेजर अमित सहाय ने ऑटो चालक की सरेआम पिटाई कर दी है। यही नहीं, मैनेजर ने ऑटो चालक के साथ गाली गलौज भी किया है। वहीं इस घटना पर अमित सहाय का कहना था कि ऑटो चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहा था। वहीं ऑटो चालक ने बताया कि वह ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहा था, इसके बावजूद भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। सहरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल बीते दिनों जिले के सौर बाजार के मनरेगा जूनियर इंजीनियर को अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद जिले की पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुकेश कुमार भारती को बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले में सहरसा SP राकेश कुमार ने बताया कि फोन लोकेशन और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यह कामयाबी मिली है। के अंतर्गत जेई के पद पर सौर बाजार प्रखंड में मुकेश कुमार भारती जी तैनात हैं ऐसे जेई। 24 तारीख को ये शाम को 4 बजे के लगभग अपने कार्यालय से मीटिंग समाप्त करके अपने घर की ओर निकल रहे थे, और
उसी दौरान लगभग 4:30 बजे एक फोर व्हीलर में 4 अपराध कर्मियों के द्वारा इनका अपहरण कर लिया जाता है। उसी दिन ही शाम को 7 बजे के लगभग इनके घर वालों से भी जो अपहरणकर्ता थे उनके द्वारा जई साहब के ही मोबाइल से संपर्क भी किया गया, उसमें फिरौती की रकम की भी मांग की गई उनके द्वारा। हम लोगों ने इसके संदर्भ में SDPO सदर श्री संतोष जी के नेतृत्व में एक SIT की टीम भी गठित की थी।